गुड मॉर्निंग राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का भी। ये देखिए मैंने कपड़े उपड़े धो लिए, आंगन भी धो लिया है, पूरा आंगन हमारा साफ हो गया है, कपड़े धो के हमने डाल दिए। और देखिए आप लोग, और आज का दिन कैसी रूटीन होगा आप लोगों को जरूर। देखिए दोस्तों, ये हमारा सुबह का नाश्ता बनने जा रहा है और आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते में पोहा। और बहुत मतलब बहुत दिन के बाद बनाते हैं पोहा, ऐसा नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा आलू मटर वटर डाल के पोहा बनाएंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है कढ़ाई में, ये हमने डाल दिया जीरा, राई डाल दी, और अब ये मिर्ची कड़ी पत्ता उत्ता डालेंगे, ये इसमें नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार पोहे में, और नमक और हल्दी पहले मतलब डाल देते हैं इसमें, उसके बाद अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, मिर्ची डालेंगे, टमाटर। आप लोग पोहे में टमाटर डालते हैं कि नहीं डालते? लेकिन हम लोग तो डालते हैं, कहीं कहीं जगह पे नहीं डाला जाता क्योंकि हम प्याज व्याज नहीं खाते ना, प्याज नहीं डालते, तो इसलिए मटर डाल दिए। अभी देखो आप, अब इसमें टमाटर गया, टमाटर डालने के बाद इसको हम पका लेंगे। ये देखिए आप लोग कितना बढ़िया लग रहा है, ये अब आलू उबाल लिया था हमने, कट करके आलू उबाले थे, आलू बहुत गर्म है इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, आलू छीलेंगे हम, छिलका नहीं निकाला था वैसे ही वो कर दिया था। अब ये देखिए पोहा हो गया है, पोहे में आलू डालेंगे छील के, अभी एक दो आलू बचे थे तो इनको छील लेंगे हम, फिर आलू छीलने के बाद कट करेंगे, और आलू हमने डाल दिया। अब पोहा मिला लेंगे नमक और हल्दी, ऐसे मिलाने से क्या होता है कि बराबर नमक और हल्दी मिल जाता है, नहीं तो कैसा है फिर बराबर नमक नहीं रहता, कहीं नमक का ज़्यादा तो कहीं हल्दी ज़्यादा। इसको हम मिला लेंगे अच्छे से, अब हम इसको डालेंगे उसमें, डाल दिया हमने, अब इसको हम चला देंगे। ये रहा अपना चावल, और ये देखिए भगवान की पूजा वगैरह सब कुछ, बर्तन धो रही है दादी के साथ में। हम इधर क्या काम निपटा है अपना, बिस्तर देखिए बिस्तर को पसारा फैला हुआ है आज। हमने मंगवाया था ऑर्गेनाइजर, ये है 12 पीसेस है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये देखिए आ चुका है हमारा ऑर्गेनाइजर, ये सारे आज अलमारी को पूरा ऑर्गेनाइज करना है, देखिए मंगाया है, ये देखिए ऐसा है, देखिए पन्नी का है क्या? अच्छा है ना, हाँ ब्लैक कलर का है, पिंक कलर का है, कुछ इस तरीके से पूरा सटा है, 12 है पीसेस, 6 ब्लैक 6 पिंक। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। अब इसमें हम कपड़े रख के दिखाएंगे आप लोगों को, आज शाम को यही ब्लॉग रहेगा अपना। ये देखिए गाइस, आज हम अलमारी से सारा कपड़ा वगैरह निकाल रहे हैं, ये जो अपना ये आया था ना, क्या कहते थे, ऑर्गेनाइजर बैग, इसी में भर दिया है, अब इसको अंदर रखेंगे अलमारी के। ये देखिए जगह बहुत कवर हो जाती है इससे, बहुत मतलब कम स्पेस होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए साड़ी वगैरह सब भर के रख दिया है, ये 3 बैग्स हो गए अपने रेडी, मम्मी के पापा के उधर 2 बैग रख दिए हैं, बाकी अपने अलमारी का सारा भी जो जितना भी है ये कबाड़ा अभी इसको अंदर में भर के सेट कर देंगे अंदर में ही।
स्टोरेज वगैरह था, कपड़े फैले रहते थे। अभी देखिए पूरा अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक सब रख दिया है अच्छे से। ये देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरा स्टोरेज कवर हो चुका है अपना। और वो भी ऐसे अगर डायरेक्ट कपड़े रखते थे तो गिरो आ जाते थे, अभी गिरेंगे नहीं। और अलमारी को कर देते बंद। और ये देखिए अब है अपना पूरा घर एकदम। दोस्तों हमारे दिए वो जल चुकी है, हमने शाम की पूजा उजा कर ली है। और ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी, ये देखिए आपको हम पास से दिखाते हैं, कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं। और अभी इनको हम मुकुट उकुट नहीं लगाते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप लोग भी देखिए, ये देखिए हमारे हरे भगवान बैठे हुए हैं। और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए ज़रूर। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।